हाँ जी, की हाल? बस ठीक है वीर जी, ठीक है, बहुत अच्छे। बड़े मुद्दत के बाद, एक जमाने के बाद आपके दर्शन। अरे कोई बात नहीं, समय खराब रहता है तो बोलते ना, कुत्ता भी शेर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बोलते समय खराब है तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, और वक्त ऐसा भी आता है कि वो गीदड़ भी बन जाता है। बिल्कुल ठीक। इसीलिए बोलते हैं हम, देखो भैया, हम जो भी बोलते हैं ना, खुला बोलते हैं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ठीक है जी, मैं भी आप जा रही हूँ। है ना, मजा ले रहे, जिंदगी है, जिंदगी के भाग में देखो, तंत्र विभाग एक ऐसा विभाग है, इंसान की जान हथेली पे लेके चलनी पड़ती है। बिल्कुल गुरु जी। अगर आप किसी को देखते हो, वो व्यक्ति तो ठीक हो या ना हो, लेकिन तुम जरूर मरोगे। नहीं, आजकल ऐसे 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 नमूने आ गए ना सोशल साइट पे, बोलते ये हो गया, वो हो गया, फलाना एक मिनट में काट देंगे। वो जो सामने वाले के अंदर इसकी शक्तियां होती है ना, ऐसा देखती है, मतलब ऐसा मुंह बना के देखती है। अच्छा बोल बेटा, और क्या बोलेगा। जैसा वो शांत होता है ना, तो वो सीधा घुस जाता है अंदर। सत्य है ना, तो बिल्कुल। फिर वो व्यक्ति चले जाएगा ना, तो फिर क्या सोचता मालूम है, इसकी माँ का, इसको तो मैंने देखा था साला, इसकी तंत्र मुझे क्यों लग गई, ये मुझे साला मुझे क्यों तड़प हो रही है। ये नहीं सोचते, अरे सालो कम से कम तांत्रिक बनो, बाबा बनो, अपनी सेफ्टी तो ले लो। बिल्कुल, है ना, सेफ्टी इनका अब्बा लेगा। बिल्कुल, है ना, हम तो इस दुनिया में हम तो थक चुके। नहीं, आप बहुत नेकी का काम कर रहे हो गुरु जी, के भगवान देख रहा है आपको, बस कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखा कि क्या हो रहा है। अरे वही एकमात्र तो है जो समझ सकता है, अपने बच्चों को समझ सकता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल गुरु जी। चलिए अभी आपका काम शुरू करते हैं। नींबू ले लिए? नींबू ले लिए। कहाँ से बोल रहे हो गुरु जी? हाँ, मैं चंडीगढ़ से गुरु जी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हो? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, चंडीगढ़ से हो, क्या बात है। आपकी दया है, कृपा है, बच्चे हैं, आप चंडीगढ़ में चक्कर नहीं लगा, मैं बुलवाऊंगा। चंडीगढ़ में एक साइंटिस्ट था, अरोरा करके था साइंटिस्ट, चंडीगढ़ ओम मनसा देवी मंदिर से कुछ दूर पे है, चंडीगढ़ से ही है ना नजदीक। हाँ, तो वहाँ था, वो साइंटिस्ट था, एक समय आया था मेरे पास, उस इलाज उलाज करा रहा था, वो तो ये सब मानता ही नहीं था कि स्पिरिचुअल कुछ होता भी है। तो उसके डॉक्टर ने बड़ा मन बना के बताया कि बोले भैया ये तो है साइंटिस्ट, इसको कुछ बोलेंगे तो साला ये मानेगा नहीं। तो एक दिन गुस्से में आया, वो कम से कम 8 साल या 12 साल से वो उसका इलाज कर रहा था। अच्छा जी। तो वो बोलता है कि अरोरा साहब एक बात बताएं, तो बोलता बोलिए, बोलता स्पिरिचुअल वगैरह में कुछ मानते हो या नहीं मानते हो? तो वो बोलता है नहीं, हम तो नहीं मानते। बोलते है देखो सर, आपको मैं 12 या 8 साल का समथिंग जो कुछ भी था, कि मैं इतने सालों से आपका इलाज कर रहा हूँ मैं, और रिपोर्ट में साला कुछ आता नहीं है आपके। अच्छा जी। तो बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि किसी से मिलो, और किसी से मिलने के बाद उसे अपना एक बार काम करा दो आप, ठीक है? हाँ, एक मिनट को बार बार कॉल करोगे बेटा, ब्लॉक हो जाओगे, समझ गए? बात करनी है तो चढ़ावा करें, उसके बाद बात हो जाएगी। फोकट में परेशान करके रख देते ये लोग। तो वो बोला अच्छा ठीक है, तो उसने मन बनाया, उसने 2-3 दिन उसने गूगल पे सर्च किया कि कौन स्पेशलिस्ट है। तो अब साइंटिस्ट है तो उनको मालूम होता है ना, जुबान की वैल्यू मालूम होती है, कौन कैसा है कौन नहीं। उसने एक हफ्ते तक का कंसर्न वीडियो बहुत सारे लोगों का देखा उसने। जब मेरा वीडियो देखा, तो मेरा वीडियो देखने के बाद उसको वैसा लगा कि यार ये तो कट्टू कट बोलता है बंदा, गालियां वालियां दे देता है, मतलब क्या है ये, है ना।
तो वो बंदे ने क्या किया कि मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा जी। मुझे कांटेक्ट किया, उसके बाद बोल उसने मेल किया, उसने फोन नहीं किया था। अच्छा जी। बोलता है एक्चुअल मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास शायद मेल पड़ा होगा। अच्छा जी। तो उसने फोन किया कि हम तो ये सब मानते नहीं है, पर ऐसा है कि आप एक बार जरा चेक कर लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं मानता। तो मैं वाला बीन बजाने से ना नाग नाचता है, भैंस नहीं नाचता, भैंस नहीं नाचता। मैं बोला नाग नाचता है, भैंस नहीं नाचता बाबूजी, है ना। चलो आज हम तुम्हें आज का चमत्कार हम दिखाते हैं। हम पहली बात, हम पुलिस वाले हो, आर्मी वाले, सेना वाले, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, हम इन सभी से पैसे नहीं लेते। तो उसे बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, नींबू पकड़ लो। अब तुम साइंटिस्ट हो भैया, तुम सोच समझ के पकड़ना नींबू। तो बोलता है ठीक है, नींबू पकड़ा, शक्तियां भेजा। मैं बोला कैसा लग रहा है, बोलता नींबू टाइट हो गया। बोला नहीं मानना चाहिए, आप साइंटिस्ट हो यार। मैं उसका मजाक भी उड़ा रहा था, उसका मैं मजाक भी उड़ा रहा था, उसका काम भी कर रहा था। फिर अच्छा जी, उसको मैंने बोला आज की रात बहुत अच्छे से सो गया, टेंशन मत लेना। बोलता रात में ही तो नींद नहीं आती मुझे, टेंशन हो ना आज सो जाओगे, टेंशन मत लो। उसके बाद भाई वो रात में सोया, ठीक है, रात में सोया वो, रात में सोया और सुबह उठ के मुझे नहीं बोला, वो जाके 11,000 रुपए डाल दिया। और उस समय मैं लेता था कितना, 2100 रुपए था। चढ़ावा 2100 रुपए था, 11,000 डाल दिया। और उसके बाद मुझे मेल पे मेल कर रहा है, मैंने बात किया, वाला बोलिए सर क्या हो गया। बोले महाराज जी मैं कल से एक्चुअल में बहुत मतलब अच्छे से नींद आई है और सोया हूँ, मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ, और मेरे बीवी के साथ में भी ऐसा ही है, उसका भी काट दिया। अच्छा, जब से वो भक्त बन गया। अच्छा, भक्त बन गया वो। अच्छा। काफी टाइम बुलाया कि आप वैष्णो देवी जाते तो आप यहाँ पे भी आ जाए करो आप। तो मैं बोला यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं पे भी जाके रुकूं दुनियादारी। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है, चलो खैर ये तो अब मेरी आदत है कॉमेडी करना, कॉमेडी करके सामने वाले की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देना, फाड़ देना। गांधी जी ने बोला है ना कि एक गाल पे मारे दूसरा गाल आगे कर दो। हम बोलते साले तू गाल पे, तू गाल पे मारेगा ही क्यों, तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने। तू मैं गांधी जी गांधीवादी नहीं हूं मैं, तू मारने से पहले तेरी औकात देख, तू कितने पाए है। तू एक मारेगा मैं दो तो जरूर मारूंगा बेटा, चाहे तू कुछ भी हो, है ना। यही सब है, हम किसी का सुन के थोड़ी लेने वाले हैं, इनके खा रहे हैं क्या, इनके बाप ने कर्जा दिया है क्या कि ये लो जियो खाओ तुम्हारी ऐसी तैसी। बिल्कुल सही है।